हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट की। तो जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 का जो हेडिंग है वो ये कहता है प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? वो एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है, इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन होती हैं। जब एप्लीकेंट को ये डर होता है कि अभी मेरी इन्वेंशन पूरी नहीं हुई है और ये कहीं से चोरी हो सकती है या फिर कोई और इसको कॉपी कर सकता है, तो ये सजेस्टेड रहता है कि आप एक प्रोविजनल एप्लीकेशन को फाइल कर दें। तो जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 ये कहता है कि आपने कभी भी प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी पर आपको उसके 12 मंथ्स के अंदर, 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है। अगर आपने कभी 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करी तो फिर आपकी पेटेंट एप्लीकेशन अबैंडन हो जाएगी। जब हम इसी के दूसरे सबसेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो ये बताता है कि अगर दो आपने अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल करी हैं जिनका देखने में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेम एप्लीकेशंस और दोनों में ही प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस हैं, तो कंट्रोलर आपको ये ऑर्डर दे सकता है कि आप एक कॉग्नेट एप्लीकेशन, ये कॉग्नेट वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था कि आप एक कॉग्नेट यानी कि एक कॉमन एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कॉमन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं जो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रही हो। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड सबसेक्शन की, जो ये बोलता है कि आपने, मान लीजिए आज आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करी पर आप 2 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो इसमें ये चीज़ें भी ऐड करनी थी, तो आप जब से आपने ये एप्लीकेशन फर्स्ट डेट आपने एप्लीकेशन की बनाई यानी कि प्रायोरिटी डेट से 12 महीने के अंदर आप किसी भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोविजनल में, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करके उसको प्रोविजनल में कन्वर्ट करवा के आप एक नई प्रोविजनल या एक नई कंप्लीट भी फाइल कर सकते हैं। अब जब हम लास्ट सबसेक्शन यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की बात करते हैं तो वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है पोस्ट डेटिंग का। तो पोस्ट डेटिंग क्या है कि अपनी प्रायोरिटी डेट को शिफ्ट करना, अपनी प्रायोरिटी डेट को आगे बढ़ा देना, पोस्ट कर देना। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आपने अपनी प्रोविजनल से लेके जब आपने कंप्लीट फाइल करी तो आप कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट को चेंज करके, अपनी मेरी प्रायोरिटी डेट को पोस्ट डेट करके जिस डेट पे आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करी है आप उस डेट पर उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो ये एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कहता है। तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेटेंट एजेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने पेटेंट्स के, पेटेंट प्रोसिक्यूशंस करोगे, लिटिगेशंस करोगे, तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का। तो ये डिस्कस करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको अगर कोई सजेशन है, कोई नई चीज़ आपको पूछनी है या कोई डाउट है तो आप वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि मैं और वीडियोज़ डाल पाऊँ। थैंक यू।